हाय डियर फ्रेंड्स, आई एम मोनिका मेहता फ्रॉम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। भाई देखिए, आज धूप है और मुझे लगता है कि आज बारिश ने ली है छुट्टी। तभी आज कोई गीला नहीं है, सब पक्षी बाहर आए हैं और नहाने धोने के बाद वो अपना दाना चुग रहे हैं। चलिए हम भी एंजॉय करते हैं इस एंटरटेनमेंट राइड को। हम लोग किसी शादी में गए तो उनके घर में पाठ भी था, तो सबने अपने अपने जो स्लीपर्स थे, जो फुटवेयर पहने थे, वो बाहर लगाए। जब बाहर आए तो उसका एक एक पैर नहीं था। पता चला कि उनके घर में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, उसने थोड़े थोड़े से पेयर्स उठाकर बाहर नाली में फेंक दिए और सब इतना हंस रहे थे। वेल, आपको पता है एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, स्लीपर अपने आप ही पाक हो जाते हैं। जी हाँ, एक छोटा सा सेंसर लगा होता है। जैसे कई बार आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, पहली गलती पता कौन सी करते हैं, चप्पल दाएं वाली बाएं में, बाएं वाली दाएं में, ये सबसे क्यूट हमारी ज़िंदगी की पहली गलती होती है। वेल, इसी गलती को सुधारते हुए बच्चे राइट लेफ्ट ना कर पाए तो उसके नीचे सेंसर होते हैं, चप्पल आप उसी पैर में पहनोगे नहीं तो बीप हो जाएगा। एंड प्लस, अगर आप बेड पे ऐसे ही बिखेर देते हो बेड के नीचे, तो वो चप्पलें अपने आप जाकर सेट हो जाएंगी, जहाँ पे एक ठिकाने पे सेट हो जाएंगी, अपने आप पाक हो जाएंगी। अगर बहुत सारी चप्पलें हैं वो पेयर में जाके अपने आप पाक हो जाएंगी। हाउ स्मार्ट, ऐसे लगता है हम इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने वाले हैं, है ना। हाय फ्रेंड्स, आपको पता है दुनिया में कितनी तरह की रेसेस हैं? स्नेक बोट रेस, देन लेमन रेस, देन सैक रेस, देन हर्डल रेसेस, देन रिले रेस। मगर लंदन में एक रेस खेली जाती है जिसका नाम है बेड रेस। उसमें एक बेड होता है छोटा सा, उसके ऊपर फ्रेंड को लिटाया जाता है और 5-6 फ्रेंड्स भागते हैं पूरा ग्रुप बनाकर, और कई बार पानी में से भी निकलना पड़ता है, कई बार धूप में से निकलना पड़ता है, और जो विनर होता है उसको मिलती है बहुत बिग प्राइज मनी। और इस रेस के लिए लोग काफ़ी टाइम पहले से ही अपना नाम रजिस्टर करवा लेते हैं। भाई दुनिया अमेजिंग है और अपनी खुशी के लिए, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है। माय डियर चिल्ड्रन, जब हम रोड पे जाते हैं, आपने देखा होगा कि हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो कितने स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। जो लोग तो रैश ड्राइविंग करते हैं और इधर उधर बड़ी तेज़ी से चलाते हैं, उनके लिए तो ठीक है, मगर हम जैसे लोग जो बड़े आराम से ड्राइव करते हैं, उनके लिए जब ऐसे बम्प्स आते हैं रोड्स पे, तो सच्ची दिल करता है कि ये स्पीड ब्रेकर्स नहीं होने चाहिए। जर्मनी में इंसानों की इसी साइकोलॉजी को समझते हुए उन्होंने अल्ट्रा मॉडर्न रोड बम्प्स लगाए हैं, रोड बैरियर्स लगाए हैं। उसमें क्या है, अगर तो आपकी स्पीड से आ रही है कार, तो वो जो रोड बैरियर्स हैं वो ऐसे ही खड़े रहेंगे, आपको स्लो होना पड़ेगा उसमें से निकलने के लिए। और अगर आप बिल्कुल परमिसिबल जो स्पीड है उससे चला रहे हैं, तो वो जो बैरियर्स हैं वो आराम से नीचे हो जाएंगे और आप बिना बम्पिंग के आराम से उनको क्रॉस कर सकते हो। हाउ स्वीट, यानी कि जो आराम से ड्राइव करते हैं, मेरे आप जैसे जो सियाने लोग हैं, उनके लिए कोई खतरा नहीं है। जो तेज़ ड्राइव करते हैं उनके लिए वो जो बैरियर्स हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे। वेल डन जर्मनी। जी, आपको बताती हूँ एक ऐसी बच्ची के बारे में जो कि है बहुत ही टैलेंटेड। दुबई में ये बच्ची रहती है, इसका नाम है मिशेल। मिशेल अपने पापा को देखती थी, वो डीजे हैं तो तरह तरह के म्यूज़िक को मिक्स करते थे, तो मिशेल को लगा कि वाओ, उसको बड़ा मज़ा आता था म्यूज़िक सुनने में, क्योंकि मिशेल का मानना है नो म्यूज़िक नो लाइफ। बचपन से ही उसने म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिया और अब मिशेल इतनी अच्छी मिक्सिंग करती है, उसने ऑनलाइन कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते भी डीजेइंग के, मगर लास्ट कॉम्पिटिशन वो अपने पापा से हार गई है। और वो कह रही है कि बचपन से मैं म्यूज़िक सीख रही हूँ, अभी तो सिर्फ मैं 9 साल की हूँ, तो मैं और बड़ी हो जाऊँगी तो एक दिन अपने पापा को भी डिफीट करके आगे बढ़ जाऊँगी। और मिशेल जब म्यूज़िक चलाती है तो कहते हैं बड़े बड़े दंग रह जाते हैं, और जब वो ट्यून्स को मिक्स करके डांस करती है तो सब कहते हैं वाह मिशेल वाह। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, लीजिए उन दोस्तों के नाम पढ़ते हैं, दोज हु आर वॉचिंग डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल एंड गिविंग लॉट्स ऑफ गुड रिमार्क्स एंड लव टू दिस चैनल। नाम है जी रितु मौर्य, वृद्धि हरप्रीत, रितु सलमान, अमन संधू, गुरबाज सिंह, कॉर्जस, जशन सिंह, मनप्रीत कौर, गुरमुख सिंह, स्वरूप सिंह, सरबजोत, अरमान मौर्य, हुमायरा अख्तर,
देन क्रिश कुमार, मोनिका अरोड़ा, दीपिका हेलन, उर्दू पोइट्री से हैं आयशा अदनान, हरजिंदर कौर, ओब्राइज, ब्यूटी गर्ल एंड गुरमुख। इन्होंने बहुत 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 सारी विशेज हमारे लिए भेजी हैं। आपको भी ढेरों थैंक यू इस चैनल को पसंद करने के लिए। दोस्तों ऐसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने फ्रेंड्स को बोलें, अपने रिलेटिव्स में इसको सर्कुलेट करें ताकि हमारी फैमिली और भी हो जाए बड़ी। थैंक यू सो मच। कैसा था तेरा इवेंट? सुबह ना मेरा अलार्म क्लॉक ही ठीक से नहीं बजा। सबको अच्छा लगा ना? हाँ ठीक था। कॉलेज में सब खुश थे ना? तू तो हमेशा ही अच्छा करता है। गट्टे की सब्जी कैसी लगी? मैंने ना नई रेसिपी ट्राई की थी, पिछली बार तुझे सब्जी अच्छी नहीं लगी थी ना। तूने कुछ खाया? भूख लगी? सुन आज ना हम दोनों फिल्म देखने चलेंगे एक साथ। वो जैकी के बेटे की फिल्म आ गई है क्या? हाँ नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरी फिल्म देख लेंगे जो इस फ्राइडे को आई है। अभी सुंदर है ना आलिया, 26 की एज में क्या काम करती है, मेरी तो फेवरेट है। तेरी फेवरेट हीरोइन कौन है? क्या हुआ? सॉरी आपने कुछ कहा? क्या देख के हंस रहा है? अरे नहीं, वो फेसबुक पे एक मीम शांटू को ये वाला भेजता हूँ, मजा आएगा। बहुत बोल रहा था ना। कार्डियो पे भागते भागते गिर गया था। ट्रेनर ने मेरे को आके बोला, उसको बोल भाई एक दिन में बॉडी नहीं बनती है, उसको एक दिन में सिक्स पैक चाहिए। क्या बात कर रहा है? सुनना सुनना, उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लाना। अरे अरे टेंशन मत ले, दोस्ती नहीं टूट जाएगी तेरी। माँ एक सेकंड चलो ना, चाय बना रही हूँ। अरे एक मस्त फोटो लेनी है, चलो चलो चलो। हाँ एक दो दुपट्टा ले लेंगे। अरे आज मदर्स डे है ना, तो इंस्टाग्राम पे फोटो डालनी है। एक एक सेकंड रुक, बस। एंड हियर वी गो, स्माइल एंड गॉट इट। थैंक यू माँ। ओ हैप्पी मदर्स डे माँ। आशु वो ये फोन में ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट्स, स्काइपी, व्हाट्सअप ये सब अपलोड कर दे, मुझे सिखा देना। माँ वो इंस्टॉल होता है, और आप ये सब का क्या करोगे? आपके पास तो ईमेल भी नहीं है, आपका ये सब से कोई फायदा नहीं है। क्यों? तू भी तो हमेशा इसी पे लगा रहता है ना, अपने दोस्तों से सब कुछ शेयर करता है, उनसे बातें करता रहता है, तो मैं सब सीख जाऊंगी ना, तो तुम मुझसे भी बातें करेगा।
माँ आपको मुझसे बात करने के लिए कोई भी ऐप्स की जरूरत नहीं है। क्या माँ आप भी ना इनोसेंटली सेंटी कर देते हो, बहुत अच्छा ट्रिक है आपका। अच्छा चल मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है ना, तो मुझे फिल्म दिखा दे। अरे फिल्म क्या, आज डिनर के लिए भी लेकर चलूंगा, आप चलो आप चलो। चिट्टी शर्मा, मेरे बच्चन की सहेली चिट्टी शर्मा का मैसेज आया है। कितनी मोटी हो गई है। मामा मामा ये हमारा फेवरेट सीन आ रहा है, याद है जब थिएटर में देखने गए थे ये। मोदी जी का मैसेज आया है, मोदी जी का व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे मैसेज आया है, उनके पास मेरा नंबर है। राहुल का मैसेज भी आया, उसे भी मैसेज करना चाहिए था ना। ये जॉन स्नो कौन है? इसका तो इसकी बुआ के साथ ही चक्कर। ये तेरी नोनी बुआ ना आजकल फेसबुक पे रहती है। सुन तू ना नोनी बुआ से ज्यादा फ्रेंडली मत होना। शर्मा जी का बेटा और वो चड्डा जी नहीं है, बी ब्लॉक वाले, उनकी बेटी। इंस्टा पे कैसी कैसी फोटो डाल रहे हैं, मुझे लगता है जरूरी का चक्कर चल रहा है। माँ माँ भूख लगी है। डिस्टर्ब मत कर, मुझे पबजी में 8x स्कोप मिला है, मैं सबको हरा दूंगी। जा जाके मैगी बना ले और मेरे लिए भी बना देना ना। सुन इधर आना, देख मेरी फ्रेंड्स है ना उनके बच्चे भी खिंचवाते हैं, चल इधर आ, इधर देख 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 इधर आना। क्या मुंह क्यों छुपा रहा है, चल इधर इधर एक बार इधर 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 इधर। चिट्टी हेलो, मैं दिख रही हूँ ना? हाँ तू भी दिख रही है, तू तो कितनी पतली लग रही है। जी फ्रेंड्स अब मौसम अच्छा है तो मैं भी एंजॉय करने जा रही हूँ एक हॉट कॉफ़ी, तो आप एंजॉय कीजिए मामा पापा के हाथ का बना बढ़िया सा खाना, बाहर से बिल्कुल नहीं खाना, घर में बनाना और सब मिल बैठ के खाना। अब मिलेंगे मंडे को, टिल देन टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ, बाय बाय, एंजॉय योर संडे।